Hello students, I am Pallavi Kumari and I welcome you to the online platform of Learnovate. आज हम solution chapter का lecture 2 start करेंगे, जिसमें हम start करेंगे colligative properties से. Colligative properties are those properties which depend on number of solute particles and it is independent of nature of particle. मतलब जो हमारा solute particle है, उसके कितने number of molecules हैं या कितने number of moles हैं, colligative properties सिर्फ वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ उन चीज़ों पर डिपेंड करेगी और कौन सा सॉल्यूट लिया है उसका मोलर मास क्या है इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करेगी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में चार तरीके के हैं. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा सॉल्यूट ऐड हम करेंगे सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर जाके ना एसोसिएट करना चाहिए और ना ही वो डिसोसिएट करना चाहिए. दूसरी चीज़, जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो होना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर क्या होता है. सॉल्यूशन लिया आपने, सॉल्वेंट लिया फॉर एग्जांपल, प्योर सॉल्वेंट है और इसको कवर कर दिया. क्योंकि ये वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट है तो इसके वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स अपने ही सॉल्यूशन पे या लिक्विड पे क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे, इसको जिसको हमने नाम दिया वेपर प्रेशर. अब ये सॉल्वेंट जो है वो क्यों वेपर फेज में जा रहा है, क्योंकि ये इसका सरफेस फिनोमेना है. सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एवोपरेट करेंगे और वो वेपर बनाएंगे. अगर मैंने इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दिया, तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये वॉलेटाइल नहीं है. तो ये क्या करेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर देंगे, प्रेशर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. क्योंकि अब सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट नहीं रह गया, अब सॉल्यूट भी आ गए. पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था. सॉल्यूट की आने के वजह से सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल नहीं है तो वो वेपर फेज में नहीं जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो हमारे पास एक है P नॉट, जिसको हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक है हमारे पास P ऑफ सॉल्यूशन जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है. और मैंने अभी बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से क्या आएगा, कम आएगा. हमें निकालना है रिलेटिव लोवरिंग, तो लोवरिंग क्या होगा, P नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोवरिंग बोलेंगे. इतना इनिशियली था, सॉल्यूशन बनने के बाद इतना हो गया, तो लोवरिंग कितनी हुई, इतनी. उसके अलावा रिलेटिव लोवरिंग मतलब इनिशियल से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. डैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, डैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब कितने मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट पार्टिकल्स के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोवरिंग कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज कितना लिया हुआ है हमने, 50 ग्राम. मोलर मास सुक्रोज का कितना है, 342 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कितने हो जाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 342. दूसरी चीज ली हुई है 2500 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर का कितना ग्राम लिया हुआ है, 500 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18. उसके बाद कह रहा है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mm ऑफ Hg. मतलब ये क्या गिवन है, पी नॉट. पी नॉट कितना गिवन है, 23.8 mm ऑफ Hg. फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, पी नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB होता है. XB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सुक्रोज. तो सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 50 अपॉन 342. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो हमारा सॉल्वेंट है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 500 डिवाइडेड बाय 18 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, डेट इज 50 डिवाइडेड बाय 342. यहाँ पे हमें पूछा है इसने लोवरिंग ऑफ
ऑफ वेपर प्रेशर, क्या पूछा हुआ है? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 23.8 mm of Hg. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था सॉल्यूट का मास, हमें गिवन था सॉल्वेंट का मास, और गिवन था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पूछा था इन्होंने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी पूछा था कि कितना प्रेशर कम हो गया. तो हमने सबसे पहले क्या करा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था, एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन चाहिए था, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास. सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स निकाला हमने, गिवन मास था 50 ग्राम्स और मोलर मास था 342. उसी तरीके से वाटर का गिवन मास था 500 ग्राम्स और मोलर मास वाटर का होता है 18. तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा. उसके बाद हमें पी नॉट ए गिवन है, मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर गिवन है, उससे इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में. नेक्स्ट हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो जा रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा लोअर हो जा रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस टाइम पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टाइम पे वो लिक्विड क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, ठीक है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है हमारे पास 0.8 atm, ये प्योर सॉल्वेंट का है, और हमें पता है इससे पहले ही हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल 0.6 atm आ रहा है, ये किसका है, सॉल्यूशन का. अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन और इस सॉल्वेंट को हीट करना है, हीट करके इसको क्या करना है, बॉइल कराना है. तो हमें जैसे हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, इसका प्रेशर कहां तक जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा बॉइल करना. हमें इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, देखो ध्यान से, 0.8 atm से 1 atm जाने में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, और 0.6 atm से 1 atm पे जाने पे हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. मतलब हम कह सकते हैं अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, और ये T2 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, और ये T1 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का. तो जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट विल बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. बात समझ में आ रही है? सो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने टर्म यूज करा T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने यूज करा T0B, और सॉल्यूशन के लिए हमने यूज करा TB. क्योंकि TB इज ग्रेटर देन T0B, तो डेल्टा TB कैन बी रिटन एज TB माइनस TB नॉट. डेल्टा TB इज रिटन एज TB माइनस TB नॉट, विच गिव्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया. पहले था TB नॉट, सॉल्यूशन का हो गया TB, सो TB माइनस TB नॉट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे इस फॉर्मूले से, डैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू में मोलालिटी. दिस इज मोलालिटी, एंड KB इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए. 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट द टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. देखिए यहाँ पे KB की वैल्यू गिवन है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें यही होते हैं, जितने भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करके हम प्रोटीन्स का या ऐसी चीज़ों का जिनका मोलर मास हमें नहीं पता, इसका मोलर मास फाइंड आउट करते हैं. क्योंकि हम क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट ले लेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर वो जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे. तो डेल्टा TB पता चल गया,
हमें के भी पता था सॉल्वेंट का, तो वहाँ से मोलैलिटी पता चल जाएगी। मोलैलिटी पता होने से हमें उसका मोलर मास पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करके इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो हमारा बी है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.15 ग्राम। सॉल्यूट के मास को हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी। और डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 15 ग्राम्स। बात समझ में आ रही है? दिस इज डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू बी, दिस इज डब्ल्यू ए फॉर सॉल्वेंट एंड फॉर सॉल्यूट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर हाई हो गया उसका जब इन्हें हमने सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू गिवन है 0.216 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्म लिमिट पुट करते हैं इसको, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर सॉल्वेंट का मास किस में गिवन हो, ग्राम्स में। सॉल्व करिए इसे आगे। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, 0.216 इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.16 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू बी गिवन है हमारे पास 0.15 इनटू 1000 अपॉन, हमें ये निकालना है, एम बी निकालना है हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए कितना गिवन है हमारे पास, 15 ग्राम्स। देखिए सारी टर्म्स गिवन है हमें, हमें क्या निकालना है, एम बी, एम बी निकल जाएगा इससे, डेट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हमें डेल्टा टी बी गिवन होगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा, उसका के बी गिवन होगा जिसे हम एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। उसके अलावा वो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट भी दे देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे देंगे, और वो हमसे पूछेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ, मतलब ये सॉलिड फेज है इनका, ये हमारा सॉलिड फेज का ग्राफ है, ये लिक्विड सॉल्यूशन का प्रेशर है। देखिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं हम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये। ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ है। देखिए प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कम आ रहा है, ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, डिक्रीज कर गया ना। जिस पॉइंट पे ये लाइन, ये जो लिक्विड की लाइन है और ये जो सॉल्यूशन की लाइन है, वो फ्रोजन सॉल्वेंट को कट करती है, वही होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, जो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है, वो उसकी लाइन यहां पे कट कर रही है, डैट इज टी नॉट एफ, डैट इज टी नॉट एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी तरीके से सॉल्यूशन का जो हमारी लाइन है, सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, वो इस फ्रोजन सॉल्वेंट को यहाँ पे कट कर रही है, डैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर टी एफ का कम है और टी नॉट एफ का ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर क्रायोस्कोपी। सो डेल्टा टी एफ इस केस में हो जाएगा हमारे पास टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेट इज प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज इक्वल टू के एफ इंटू में मोलैलिटी। और के एफ क्या है यहाँ पे, के एफ है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। उसके अलावा ये हमारे पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। 1000 कब लोगे, जब डब्ल्यू ए किसमें हो, ग्राम्स में। बात समझ में आ रही है? इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इज 217 केल्विन, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी। जैसा क्वेश्चन हमने किसमें करा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वैसा ही क्वेश्चन इसमें आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। देखो यहाँ पे हमें 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, मतलब सॉल्यूट का
गिवन मास है, दैट इज डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम्स. दूसरी चीज, 20 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिजोल्व करा है, तो वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है. सो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 20 ग्राम्स. मोलालिटी निकल जाएगी, मोलालिटी में सिर्फ क्या रह जाएगा, मोलर मास ऑफ बी, जो कि हमें क्या निकालना है, जो हमें प्रोवाइडेड नहीं है, जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है. अब यहाँ पे के एफ की वैल्यू नहीं गिवन है, के एफ की वैल्यू फॉर वाटर इज 1.86. के एफ की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए. तो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86. तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं. उसके अलावा डेल्टा टी एफ भी गिवन है, देखो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा ये 271.9 केल्विन किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का. और हमें पता है कि वाटर कितने कितने टेम्परेचर पे फ्रीज कर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन. तो हम कह सकते हैं टी एफ नॉट जो प्योर वाटर का है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, कह सकते हैं. सो डेल्टा और टी एफ हमें कितना गिवन है, 271.9 केल्विन. ये सॉल्यूशन का है, जो गिवन है वो किसका है, सॉल्यूशन का. और टी एफ नॉट हमें पता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन. तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ विच इज इक्वल टू 273 माइनस 271.9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी. के एफ की वैल्यू 1.86, मोलालिटी क्या होती है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1.25 अपॉन एम बी जो हमें निकालना है. और डब्ल्यू ए कितना गिवन है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000. इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो जितने भी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो, वो जनरली हमसे क्या पूछेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वो आपको या तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे देंगे या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे देंगे. सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, के बी और के एफ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा. वो तुम्हें सॉल्यूट का मोलर मास दे देंगे, वो तुम्हें सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट का गिवन मास दे देंगे, सॉल्वेंट का गिवन मास दे देंगे और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए प्रोवाइडेड होगा. नेक्स्ट हमारे पास ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ध्यान से सुनिए, द फिनोमिना ऑफ पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. इसकी डेफिनेशन में बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. मान के चलिए दो सॉल्यूशन हमारे पास जिसकी कंसेंट्रेशन है C1 और यहाँ पे कंसेंट्रेशन है C2, और C1 इज ग्रेटर देन C2. ध्यान से सुनिएगा, C1 इज ग्रेटर देन C2 मतलब कंसेंट्रेशन इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा है, इस कंपार्टमेंट में कम है. दूसरी चीज जो इसमें सेंटर में जिस जो इन सॉल्यूशंस को डिवाइड कर रही है, डैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को तो पास होने देती है लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देती. तो जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डैट अलाउज पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट सॉल्यूट. वो सॉल्वेंट को तो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास ऑन करेगी अपने से, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास ऑन नहीं करेगी. अभी मैंने बोला कि कंसंट्रेशन C1 में ज़्यादा है और कंसंट्रेशन C2 में कम है. अगर मैं बोलूँ कि दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, तो फिर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है हमारे वॉल्यूम पे. ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, अगर दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग है, एक में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा एक में सॉल्वेंट कम होगा. जिसमें हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और जहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा वहाँ पे कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा. तो अगर C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इन 1 विल बी लेस देन सॉल्वेंट इन 2.
कह सकते हो अगर सॉल्यूट दोनों में बराबर है तो सॉल्वेंट किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सेकेंड में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और फर्स्ट में सॉल्वेंट कम होगा। अब हमेशा जो मूवमेंट होता है वो टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन होता है, मतलब फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कंसिडर करती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने इधर उधर नहीं जाने देती। इसका मतलब है इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से मतलब है, जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वहाँ से सॉल्वेंट लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को इधर उधर जाने देता है, सॉल्यूट को इधर उधर जाने नहीं देता। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब है वहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, कम है, और जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट ज़्यादा है, कह सकते हो सेकेंड कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट फ्रॉम सेकेंड कंपार्टमेंट विल गो टू फर्स्ट कंपार्टमेंट। तो देखो द फिनोमिना ऑफ पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, C2 कम था, मतलब कंसंट्रेशन इन सेकेंड कंपार्टमेंट कम था, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, C2 से C1। इसीलिए इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द passage of pure solvent from a region of lower concentration to region of higher concentration is known as through semi-permeable membrane is known as osmosis। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे concentration ज़्यादा होगी इसका मतलब है वहाँ पे solvent कम है, और जहाँ पे concentration कम है वहाँ solvent ज़्यादा है, जहाँ solvent ज़्यादा है वहाँ से solvent पास करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा, जहाँ पे सॉल्वेंट कम हो, और जहाँ सॉल्वेंट कम है वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा। अपने कंसंट्रेशन मतलब अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो फिर फ्रॉम हायर टू लोअर, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो फ्रॉम लोअर टू हायर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डैट इज पाई, इसको डिनोट करते हैं हम पाई से, डैट इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। सी क्या है, कंसंट्रेशन, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं N/V, सो हम लिख सकते हैं पाई इंटू वी इज इक्वल टू NRT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, डैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। सी हमारी कंसनट्रेशन जो मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में हमने कुछ सॉल्यूशंस को अलग अलग नाम दिया। जैसे अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या फिर आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दैट इज π1 एंड π2 आर इक्वल, दो सॉल्यूशंस हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, अगर दोनों बराबर हैं तो इन दोनों सॉल्यूशंस को हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसको हम दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं π2, और अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 से ज़्यादा है, देन दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस बात का ध्यान रखेंगे, सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, एंड हाइपोटोनिक इज हैव लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर। जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, उससे कम है तो हाइपोटोनिक, अगर सेम है तो देन डैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, है ना, 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन।
So the osmotic pressure at 27 degrees Celsius of an aqueous solution, मतलब solvent हमारा क्या है, water, 200 ml. तो volume कितना given है, volume is 200 ml containing 6 grams of protein. तो WB given है हमें यहाँ पे, mass of solute is 6 grams. उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻³ - 3 atm एटमॉस्फेयर. आर की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.08 लीटर्स atm पर मोल पर केल्विन. उसके अलावा हमसे इसने पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज, सो यहां पे देखो क्या क्या गिवन है. पाई इज इक्वल टू सीआरटी लगाना है हमें इसमें. पाई गिवन है, कंसंट्रेशन में क्या चाहिए, सो दिस इज पाई इज 2 × 10⁻³, कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो मोलर मास कितना है इसका, 6. गिवन मास कितना है, 6. मोलर मास हमें निकालना है किसके लिए, प्रोटीन के लिए. एंड कंसंट्रेशन वॉल्यूम इज, हमारे वॉल्यूम कितना गिवन है, 200 ml. सो 200 और क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दोगे. R की वैल्यू है 0.08 और टेम्परेचर है 300. इसको सॉल्व करोगे मोलर मास ऑफ प्रोटीन आ जाएगा. बात समझ में आ रही है. तो इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी जनरली या तो वो हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेंगे, मतलब उन्होंने गिवन मास दे दिया, मोलर मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया सोल्यूशन का, आर की वैल्यू हमें पता होगी, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर उन्होंने दे दिया, तो वो क्या पूछेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर. या फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर दे दें, आर की वैल्यू हमें पता है, वो तुम्हें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दे और वो तुमसे पूछ ले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए ही यूज़ करते हैं. इसलिए जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही आएंगे जिसमें हमसे वो पूछेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन या मॉलिकुलर वेट ऑफ दी सॉल्यूट. तो यहाँ से सॉल्व करके आप मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर जैसे हमने बोला ना कि जो सॉल्वेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा, जब ये सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा होगा और अगर दूसरी साइड जो सॉल्यूशन है वहां पे हम एक प्रेशर लगाएं और इस सॉल्वेंट को रोकने की कोशिश करें और इतना ज्यादा प्रेशर लगा दें कि यहां से आया हुआ सॉल्वेंट यहाँ मतलब सेकेंड कंपार्टमेंट में ना आ पाए, बल्कि यहाँ से जो हायर कंसंट्रेशन है जहाँ से नहीं जाना चाहिए था सॉल्वेंट वहाँ से हम मूव कराएं उसको, इतने ज़्यादा प्रेशर दे दें, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. दोबारा समझिए इसको, अगर हमारे पास दो कंसंट्रेशन है C1 एंड C2, तो हमने बोला था अगर C1 इज ग्रेटर देन C2 तो सॉल्वेंट C2 से C1 जाएगा, मतलब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है हमेशा सॉल्वेंट. अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करूँ और इसको वापस भेज दूँ और इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँ कि यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी इस साइड जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस. हम ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. और ये हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, दैट इज RO. रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO जो घर में लगे रहते हैं. तो इसमें देखो क्या होता है, मान के चलिए हमारा सेलाइन वाटर है, मतलब जो इम्प्योर वाटर है, और हमारे पास यहाँ पे प्योर वाटर है. अगर प्योर वाटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन जीरो होगी, है ना, नंबर सॉल्यूट नहीं है तो प्योर वाटर है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, है ना. ये सेलाइन वाटर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्ट की, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम प्योर टू सेलाइन वाटर. लेकिन अगर मैं एक प्रेशर अप्लाई करूँ जो कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी कहाँ भेज देगा, प्योर वाटर की तरफ. तो हमारे जो सॉल्यूट्स हैं, जो हमारे सलाइन वाटर में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, जो सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, वो सारे इस सलाइन वाटर में रह जाएंगे और प्योर वाटर क्योंकि वो सॉल्वेंट है वो कहाँ चला जाएगा, प्योर वाटर वाले कंपार्टमेंट में जो कि हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस. नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी पढ़ना, तो मैंने एक
वर्ड यूज करा था कि जो हमारा सॉल्यूट है दैट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब सॉल्यूट को जब हम पानी में या जिस भी सॉल्वेंट में हम घोल रहे हैं, जब उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर ना उसको एसोसिएट करना चाहिए और ना ही उसको डिसोसिएट करना चाहिए, है ना. अगर वो सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जब वो सॉल्यूशन फेज में आ जाता है, अगर वो एसोसिएट कर जाए या डिसोसिएट कर जाए, तो जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे अभी तक, जितने भी हमारे पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर्स हो, इन सब की वैल्यूज़ एबनॉर्मल आने लगती हैं, कैलकुलेटेड से अलग आने लगती हैं. सो दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो वो दो कारण की वजह से हो सकती है, आइदर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से या फिर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से. सो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हम निकालते हैं जब सोल्यूट या सोल्यूट जो है एसोसिएट कर जाए या फिर डिसोसिएट कर जाए. सो वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो हम कैलकुलेशन से कर रहे हैं, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटेड. एंड ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटल है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल है डैट इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमारा कैलकुलेटेड है, जो हमने अभी तक फॉर्मूले डराइव करे थे उनसे जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इन दोनों के डिविजन्स को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर डैट इज आई. उसी तरीके से क्योंकि अभी तक जितने भी तुमने फॉर्मूलेज पढ़े उसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी चाहे वो डेल्टा टी बी हो, चाहे वो डेल्टा टी एफ हो, चाहे वो पाई हो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, उसमें हमेशा आगे मोलैलिटी थी या फिर कंसंट्रेशन मोलैलिटी थी या फिर मोल फ्रैक्शन था. और वहाँ पे हमेशा अगर नंबर ऑफ मोल्स है डैट इज, अगर कंसंट्रेशन है तो एन बाई वी डैट इज डब्ल्यू बी बाय एम बी अपॉन डब्ल्यू ए. तो एम बी जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमेशा क्या आ रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की. तो जितना ज़्यादा मोलर मास आ रहा था उतनी कम हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आ रही थी. तो अगर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास क्या होगा, नीचे होगा. और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो नॉर्मल हमारे या फिर एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, ऊपर आएगा. इसी फॉर्मूले में हमने अब क्या डाल दिया, मॉलिक्यूलर वेट. ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक्सपेरिमेंटल, और नॉर्मल या एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट मतलब कैलकुलेटेड. अब बात करते हैं एसोसिएशन की और डिसोसिएशन की. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एसोसिएशन. एसोसिएशन मतलब क्या, कि तुमने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर गए, एसोसिएट कर गए. फॉर एग्जांपल एन नंबर्स ऑफ ए डाले आपने और वो सॉल्यूशन में जाके ए एन बन गए. बात समझ में आ रही है. सो अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपने इसके 1 लिए थे तो पानी में जाने के बाद 1 माइनस एल्फा और एल्फा बाय एन हो जाएगा. और आई जो है That is equal to number of particles after dissociation or association divided by number of particles initially taken. तो देखो dissociation के बाद, association के बाद total number of particles कितने हो गए, 1 minus alpha plus alpha by n, है ना. 1 minus alpha plus alpha by n total number of particles इतने हो जाएंगे solution में, ये equilibrium रहेगा यहाँ पे. और initially आप कितने लिए थे, 1. सो यहाँ पे I की वैल्यू आ गई 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन. उसी तरीके से अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, सो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है AN जो हमारा सॉल्यूट है, जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर गया NA में, ठीक है. अगर इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एल्फा एन एल्फा हो जाएगा. सो हमारी आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1. बात समझ में आ रही है. सो एसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आप निकाल लेंगे और डिसोसिएशन के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर आप निकाल लेंगे. कैसे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे, उसमें से अल्फा माइनस करेंगे और यहाँ पे अल्फा एन अल्फा ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, एन. सो 1 माइनस एल्फा और यहाँ पे हो जाएगा एन एल्फा. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1. और एल्फा क्या है, एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन.
कि कितने नंबर ऑफ मोल मतलब मोल्स हमारे डिसोशिएट कर गए या फिर एसोशिएट कर गए. नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. अब क्योंकि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो थी वो उन सॉल्यूट्स के लिए थी जो ना कभी एसोशिएट कर रहे हैं और ना ही कभी डिसोशिएट कर रहे हैं. सो अगर मैं बात करूँ डेल्टा टी बी की, सो डैट इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलालिटी. लेकिन अगर कोई कंपाउंड एसोशिएट या डिसोशिएट कर गया सॉल्यूशन में जाके, सो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी. अब क्या करना है, सारे फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे हमारे पास. डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, आई जो हमारा वेंटो फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाय के बी डैट इज एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इंटू मोलालिटी. उसी तरीके से डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू वेंटो फैक्टर इंटू के एफ इंटू में मोलालिटी. उसी तरीके से पाए इज इक्वल टू आई सी आर टी और डेल्टा पी बाय P नॉट A इज इक्वल टू आई इन टू एक्स बी. तो सारे जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं सबके आगे आप क्या लगा देंगे, I लगा देंगे. अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो I क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. देखो ये था ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन. अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो जितने पार्टिकल्स आपने डाले थे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे. सो वन, अगर आपने वन लिया था इनिशियली और वो वन ही रह गया तो आई कितना आएगा, वन के बराबर ही आएगा. अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है मतलब कुछ पार्टिकल्स एसोसिएट कर गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब कम हो गए. सो आई जो होगा डैट विल बी लेस देन वन. अगर एसोसिएशन हो जाएगा मतलब आपने चार मॉलिक्यूल लिए थे और पानी में जाके वो दो हो गए तो दो बाय चार कितना हो गया, वन बाय टू. तो आई हमेशा वेंटो फैक्टर हमेशा लेस देन वन आएगा. अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन मतलब वो पानी के अंदर जाके दो के चार हो गए तो इनिशियली आपने दो लिए थे और वो सॉल्यूशन में जाके चार हो गए तो फोर बाय टू कितना जाएगा, टू. तो आई हमेशा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन वन. तो वेंटो फैक्टर फॉर दो सॉल्यूट्स विच अंडरगो नो डिसोसिएशन एसोसिएशन, आई वैल्यू इज इक्वल टू वन. फॉर एसोसिएशन इट इज लेस देन वन एंड फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन वन. अब इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. अगर डेल्टा टी बी है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और आई वन है तो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मतलब कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा. अगर हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है उसके अंदर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जा रहा है तो आई लेस देन वन है तो डेल्टा टी बी कम हो जाएगा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा. उसी तरीके से डेल्टा टी एफ अगर आई की वैल्यू कम है तो कम हो जाएगा मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा और हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. अगर आई ग्रेटर देन वन है तो डेल्टा टी भी बढ़ जाएगा मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा अगर आई ग्रेटर देन वन है तो, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा. अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. सोल्यूट के डालने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना. सो हमारे पास अलग अलग तरीके के सोल्यूट गिवन है, ध्यान से देखिए. Na2SO4, KNO3, यूरिया एंड ग्लूकोज. तो जो हमारा Na2SO3 है वो सोल्यूशन में जाने के बाद 2Na+ और SO4 2- बना लेगा. इनिशियली आपने 1 लिया था, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट कर जाएगा और ये बनाएगा 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस. तो I कितना हो जाएगा, 3/1 विच इज इक्वल टू 3. सो फॉर Na2SO4 वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू 3 एंड फॉर KNO3 टूटेगा किस में, K+ और NO3- में, पूरा कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा. तो इस केस में I की वैल्यू आ जाएगी 2. पहले 1 से स्टार्ट करा था आपने, वो टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया इसका. तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2.
So I की value for Na2SO4 is 3, I की value for KNO3 is 2, यूरिया डिसोशिएट नहीं होता तो I की value क्या हो गई 1, ना एसोशिएट होता है ना डिसोशिएट होता है. ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सोल्यूट्स जिनमें ना एसोसिएशन हो ना डिसोशिएशन हो तो उनके लिए I की value हो जाती है 1. उसी तरीके से ग्लूकोज भी ना एसोशिएट करता है और ना ही डिसोशिएट करता है. अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें भी सब में इंक्रीज करेगा सॉल्यूट के डालने से, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज उसमें करेगा जिसमें आई की वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर. सो मोलैलिटी है यहाँ पे देखो 0.01, इसकी भी मोलैलिटी 0.01 ही है, इसकी मोलैलिटी 0.015, इसकी मोलैलिटी 0.015. अब कंसंट्रेशन अगर देखो यहाँ पे मोलैलिटी गिवन है वैसे तो, लेकिन मोलैलिटी तो यहाँ पे आई इंटू मोलैलिटी कितना हो जाएगा 0.03, इसके लिए हो जाएगा 0.02, इसके लिए हो जाएगा 0.015, इसके लिए हो जाएगा 0.015. ये हम कर रहे हैं आई इंटू कंसंट्रेशन, हम क्या कर रहे हैं आई इंटू कंसंट्रेशन. तीनों के लिए के भी सेम ही होगा, चारों के लिए के भी सेम होगा, क्योंकि हमने सॉल्यूशन किस में बनाया है, किसी एक सॉल्वेंट में बनाया, इधर वाटर फॉर एग्जांपल वाटर में बनाया, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा तो सॉल्वेंट इसका मतलब क्या है चारों के लिए सेम है, तो के बी की वैल्यू सबकी सेम होगी. तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा आई इंटू मोलैलिटी पे, तो सबसे ज़्यादा आई इंटू मोलैलिटी किसकी है Na2SO4 की. इसका मतलब है इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. इसी क्वेश्चन में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ लेते हैं. देखो जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी का ही होगा. बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिप्रेशन क्या है इसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है ना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इन टू आई सबसे ज़्यादा है. आई तो सेम ही होगा ना, आई कैसे निकाल रहे हो कि डिसोशिएट कर रहा है एसोशिएट कर रहा है, तो आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियली टेकन, तो आई की वैल्यू तो सेम ही है, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और इसके लिए भी क्या होगी 1. अब कंसंट्रेशन क्योंकि सेम ही है सबकी, तो हमें लिखना है डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हमारा होगा Na2SO4 में, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा. सो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी Na2SO4 का, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट भी Na2SO4 का. अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है तो हम आई की वैल्यू निकालेंगे डेट और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू.